राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल पंचकुला के भानु स्थित आईटीबीपी के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित 40वीं अखिल भारतीय अश्वारोही चैंपियनशिप और पुलिस माउंटेड मीट 2021-22 का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में 18 टीमों के 600 से अधिक प्रतियोगियों और घुड़सवारों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को लेकर प्रसन्नता जताई। उन्होंने आईटीबीपी महानिदेशक संजय अरोड़ा को अपने संदेश पत्र में कहा कि आईटीबीपी के जवान सेवा क्षेत्र में अपनी निष्ठा और समर्पण से इसी तरह मां भारती का गौरव बढ़ाते रहें। राज्यपाल ने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आई है तो आईटीबीपी के जवानों ने अपना बलिदान देकर देश की सीमाओं की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं और अर्धसैनिक बलों का मजबूतीकरण हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार भी सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे देश में हमारी सुरक्षा के बारे में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे नक्सलवाद है, जैसे प्राकृतिक जो है आपदाएं आए, ऐसी स्थिति में आईटीबीपी के जवानों ने काफ़ी मजबूती से शौर्य से काम किया है। तो इसलिए हमारे जो सैनिक बलों को और जो है मजबूती करना और देश की एकता और अखंडता को कायम रखना और ऐसे स्पोर्ट्स मीट से जो है इनको और बढ़ावा देना बहुत बड़ी चीज़ है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से उनके प्रशिक्षण को एक नई दिशा मिलती है। जो घुड़सवारी का आयोजन किया है बहुत बढ़िया है। इसमें हमारे को हर साल पुलिस एक्टिवेशन मीट होता है जिसमें हमारे को अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। चार डिसिप्लिन के गेम खेला जाएगा, टेन पैकिंग, सो जंपिंग, क्रॉस कंट्री और ड्रसाज। और हम जो यहाँ पे जो गेम है जैसे कि ड्रसाज है, ड्रसाज के पुलिस के पास ऑल इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल के भी राइडर्स हैं। वहीं प्रतियोगिता को देखने आए बच्चों ने भी इस आयोजन की सराहना की। नगर से आई हूँ, मैं यहाँ काइट फ्लाइंग देखने आई हूँ और साथ ही साथ घोड़ों की रेस भी।